Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the sixth session of Git and GitHub series by Flutter Labs. हमारे जो आज का सेशन जो मेन मकसद है वो GitHub इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम Git versus GitHub थोड़ी सी कंपैरिजन करेंगे एंड देन GitHub के जो बेसिक फीचर्स हैं उसे गो थ्रू करेंगे, लाइक क्लोनिंग GitHub रिपोजिटरी एंड देन क्रिएटिंग अ न्यू GitHub रिपोजिटरी. सही है. सो जो बेसिक बेसिक जो फंक्शंस हैं GitHub में वो हम परफॉर्म करेंगे. So now, starting towards the first and important questions, कि Git और GitHub में हमारे पास difference क्या है? सही. So जिस तरह हमें पता है Git हमारे पास एक VCS है, एक version control system है, just like other somehow different than other version control systems. अब version control system का हम डिटेल में देख चुके हैं कि version control system हमारे पास होता क्या है, functions कैसे करता है. So Git तो हम properly देख चुके हैं. सही है. अब गिट हमारे पास क्या है? गिट हमारे पास एक्चुअली गिटहब जो है हमारे पास एक्चुअली गिट का एक आप एक्सटेंडेड वर्जन समझ लें कि ये गिट का जो है एक्सटेंडेड और एडवांस वर्जन है जो कि हमारे पास ऑनलाइन है. सही है. जिसमें हमारे पास बहुत सारे कूल फीचर्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं गिटहब पे. गिट पे असल में आप लोकली काम करते हैं, सो गिट पे मोस्टली एक ही बंदा काम कर सकता है और एक ही बंदा काम कर रहा होता है. एंड देन GitHub ये है कि आप मल्टीपल बंदे एक टीम अगर काम कर रही है एक सिंगल प्रोजेक्ट पे तो वो आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं GitHub पे. एंड देन इस कोलैबोरेशन के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल CI/CD टूल्स जो है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के जो टूल्स हैं वो भी GitHub में अवेलेबल हैं. सो दिस इज मोस्टली रिलेटेड सम एडवांस टॉपिक्स व्हिच वी कॉल लाइक DevOps. सही है. सो इसके अलावा DevOps के बहुत सारे और भी टूल्स अवेलेबल हैं GitHub में. GitHub एंड इसके इसके इसका एक और वर्जन है GitLab के नाम से. सो यहाँ पर ये सारे टूल्स मौजूद है. सो GitHub इज अ एक्सटेंडेड एंड ऑनलाइन वर्जन ऑफ Git आप समझ लें. सही है. जिसमें बहुत सारे कूल फीचर्स भी हैं Git के जो बेसिक फीचर्स हैं उनके अलावा. नाउ अब हम आते हैं GitHub की तरफ. How to create a GitHub account? This is a very easy steps. जिस तरह अगर आपको Facebook का account बनाना आता है, so you should also know कि आप GitHub का account भी बना सकते हैं. सही. So जब आप जैसे ही GitHub पे आते हैं, यहाँ पर आपके पास ये screen आपको नजर आता है. सही है. Side पे आपको जो है ना वो जो most recent repositories हैं आपको create आपको आपको यहाँ पर नजर आती हैं. सही है. इसमें आपके पास कुछ कुछ private repositories भी हैं, कुछ public repositories भी हैं. सही है. डिटेल की तरफ आएंगे. पुल रिक्वेस्ट इश्यूज मार्केट प्लेस एंड अदर थिंग्स. यहाँ पर नोटिफिकेशंस का सेक्शन एंड देन यहाँ पर हमारा प्रोफाइल का सेक्शन भी है. सही है. प्रोफाइल के सेक्शन में जब अब आते हैं, सो प्रोफाइल सेक्शन में आपकी सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं. ये GitHub पे एक नया फीचर है जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं readme.md फाइल में. सही है. उसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ मेन मेन रिपोजिटरीज आती हैं जो आपने पिन किए होते हैं. सो माय प्रोफाइल दीज आर सम रिपोजिटरीज दैट आर पिन्ड ओवर हियर. ओके. ओवर हियर यहां पर आपका जो है ना वो कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री आपको नजर आती है कि लास्ट ईयर में आपने कितनी कंट्रीब्यूशंस की थी. सो लाइक दीज आर लाइक सम लिटिल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम माय साइड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आई डिड. सो जितने भी प्रोजेक्ट्स में आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो आपके पास यहां पर नजर आते हैं. सही. आपको यहां पर नजर आते हैं. सही है. अलोंग विद दैट सो लाइक हियर यू हैव सम लिटिल बिट डिटेल्स just like I have over here and then you have some followers as well. और यहाँ पर आपका जो contribution activity है वो आपको यहाँ पर नजर आती है कि आपने किस किस project recently कितना contribute किया है. So this is a basic overview. यहाँ पर आपके पास और repositories की पूरी list आ रही होती है कि आपके पास आपके project में कितनी repository है, कौन कौन सी. So I have like more than 100 repositories right now. And then like these are some advanced features, packages and those things. सही है. So हम इनकी तरफ right now नहीं जाते हैं. हमारा mostly काम होगा ये repositories के साथ. सही. So जिस तरह हमारे पास local repository होती है Git में, so same we have a repository system over here as well. So यहाँ पर भी हमारे पास repositories होती है. सही. अब हम आते हैं सबसे basic और important command की तरफ कि आप प्रोजेक्ट यहाँ से डाउनलोड कैसे करेंगे. सही है. लेट सपोज किसी का प्रोफाइल है. लेट सपोज यहाँ पर मैं ओवरव्यू नहीं, मैं यहाँ पर इस सेक्शन में आता हूँ कि आपने यहाँ पर डाउनलोड कोड डाउनलोड कैसे करना है यहाँ. सही है. मोस्टली लोग जो है ना वो बेसिक अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड.
This is one of my favorite Flutter developer, Jeff Delaney. So like he has some cool features, cool projects over here. So for example, let's suppose ये एक GitHub project है, जो इसने ये public project है इसका, सही है? और ये project मैं अपने पास download करना चाहता हूँ, सही है? मैं अपने पास ये project download करना चाहता हूँ, सही है? So एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से download करें, सही? मतलब आप ये zip file download कर सकते हैं या desktop के through भी इसको open कर सकते हैं, सही है? या यहाँ से zip भी directly download कर सकते हैं, सही? दूसरा तरीका कार इसका ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर दें, सही है? क्लोनिंग क्या होती है? ये क्लोनिंग के थ्रू भी आप मतलब पूरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं क्लोन करना चाहूँ, सही है? सो इसको मैं ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करूंगा, सही है? लेट्स सपोज अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, गिट प्रैक्टिस, इससे मैं बाहर जाता हूँ, सॉरी सीडी डैश डैश, सही है? अब मैं किस रिपोजिटरी में हूँ, गेट गेट की गेट फोल्डर में हूँ, सही है? अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस रिपोजिटरी को, इस ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसको मैं डाउनलोड करना चाहूँ, सो इसका जो बेहतर और आसान तरीका है, जो बेहतर तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, वो ये है कि आप इसको क्लोन करें, सही है? सो गेट क्लोन और यहाँ पे ये यूआरएल डाल दें, तो ये जितना भी प्रोजेक्ट है ये इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोन कर देगा। वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू डाउनलोड अ प्रोजेक्ट, सही है? सो इसने बहुत तेजी से ये सारा प्रोजेक्ट डाउनलोड करके मुझे दे दिया है, सही है? अब मैं यहाँ पर आऊंगा अपने फोल्डर्स में, तो यहाँ पर ये मुझे नजर आ जाएगा। राइट नाउ गिट का फोल्डर, हियर इज गिट, सो हियर इज गिट फोल्डर, सही है? ये गिट का फोल्डर है और यहाँ पर कहाँ है, कहाँ है जो अभी मैंने डाउनलोड, जियो फायर एक्स, सही है? सो ये जियो फायर एक्स की एक्स का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर मैंने ये देखे मैंने क्लोन कर दिया था, सही है? So this is how you can clone a GitHub project. सही, एक तरीका तो ये कि आप प्रोजेक्ट क्लोन करें, सही है? दूसरा इसमें एक और फीचर है जिसको हम बोलते हैं फोर्क। फोर्क, आप प्रोजेक्ट को फोर्क कर सकते हैं। फोर्क क्या होता है? लेट्स सपोज ये प्रोजेक्ट है, इसको आप अपने अपने GitHub अकाउंट पे लाना चाहते हैं, सही है? आप चाहते हैं कि आपके पास आपके GitHub अकाउंट पे आ जाए और वहां पर लेट्स सपोज आपने कोई कंट्रीब्यूशन करनी है इस प्रोजेक्ट में, या लेट्स सपोज अगर आपने कंट्रीब्यूशन नहीं भी करनी, आपने इससे इससे अपने लिए एक और प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको आप फोर्क भी कर सकते हैं, सही है? सो फोर्किंग का तरीकाकार ये है, ये देखें, इसको आप फोर्क करेंगे, कहाँ पर फोर्क करना है, मैंने अपने अकाउंट पे फोर्क करना है, सही है? सो ये देखें ये क्या कर रहा है, फोर्किंग जियो फायर एक्स, इट शुड टेक फ्यू सेकंड्स। सो ये क्या करेगा, जो रिपोजिटरी वहां पर थी उसे मेरे अकाउंट पे ले आएगा, सही है? ये देखें इसने कहां पर ले आया है, अब ये देखें ये मेरा अकाउंट है, वो जो सेम रिपोजिटरी जो कि पब्लिक थी, जो पब्लिक रिपोजिटरी थी वो मेरे अकाउंट पर यहां पर आ गई है, बट साथ में वो ये भी दिखा रहा है कि यार ये कहां से फोर्क हुई है, सही है? सो दिस वाज फोर्क फ्रॉम दिस सम हाउस, किसी के रिपोजिटरी से, सही है? सो ये मेरे पास रिपोजिटरी आ गई है, सही? सो दिस इज क्लियर एज वेल कि फोर्किंग हमारे पास क्या होती है। एक और रिपोजिटरी है, लेट्स सपोज किसी बंदे ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसको आप अपने अपने GitHub प्रोफाइल पे लाना चाहते हैं, क्योंकि वो पब्लिक है, सही है? पब्लिक कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के अपने अपने उस पर ला सकते हैं, सही है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि वो ऑनलाइन ओपनली उसका कोड अवेलेबल होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, सही है? फिर उसके लाइसेंसेस की बात आती है, तो वो एक अलग डिस्कशन है कि कौन सा लाइसेंस फ्री है, फ्री नहीं है, वो अलग बात है, बट दिस इज हाउ यू कैन फोर्क अ प्रोजेक्ट, सही है? अपने GitHub रिपोजिटरी पे ला सकते हैं। और क्लोनिंग की भी हमने बात कर ली कि लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट आप क्लोन करना है, तो उसको आप क्लोन भी कर सकते हैं अपने साथ। क्लोन का मतलब आप उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैंने क्लोन कर दी, फोर्क कर दी है यहाँ पर, सही? लेट्स सपोज ये रिपोजिटरी है, इसको मैंने अभी क्लोन तो कर दी है, बट इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सही है? तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये डेंजर जोन, विजिबिलिटी, ट्रांसफर ओनरशिप, दिस इज आर्काइव, डिलीट। अगर इस रिपोजिटरी को आपने डिलीट करना है तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, बट इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तभी ये डिलीट होगा, सही है? एंड देन डिलीट, आई अंडरस्टैंड द कंसीक्वेंसेस, एंड देन यहाँ से आपका ये कोड मांगेगा, पासवर्ड, एंड आफ्टर एडिंग द पासवर्ड आपने वो, हमने वो रिपोजिटरी वापस यहाँ से डिलीट कर दी है, सही? यहाँ तक हो गया है क्लोनिंग एंड फोर्किंग। फोर्क किसे कहते हैं, सही है? एक रिपोजिटरी को फोर्क कर सकते हैं।
एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप अपनी एक नई रिपोजिटरी भी क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी रिपोजिटरी, सही है। जिस तरह हम यहाँ पर जो गिट था उसमें हम कमांड देते हैं गिट इनिट का कमांड, सही है। सो इसे हमारे पास एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती थी, सही है। सेम आप यहाँ पर भी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, यहाँ पर आपको ये न्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोजिटरी आ जाएगी। अगर यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से न्यू रिपोजिटरी, सही है। सो न्यू रिपोजिटरी क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप रिपोजिटरी का नाम देंगे, सही है। मैं नाम देता हूं गिट एंड गिट एंड गिटहब प्रैक्टिस, सही है। सो ये रिपोजिटरी का नाम हो गया है, सही है। ओके यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, सही है। यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि यार ये रिपोजिटरी पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। पब्लिक रिपोजिटरी जो है ना वो आपके प्रोफाइल पे विजिबल होती है और कोई भी बंदा उस रिपोजिटरी को डाउनलोड कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, सही है। दूसरा हमारे पास प्राइवेट रिपोजिटरीज हैं। प्राइवेट रिपोजिटरीज भी आप मतलब एनी अमाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं राइट नाउ गिटहब पे। पहले ये लिमिटेड था बट राइट नाउ इट्स ओपन फॉर फ्री वर्जन एज वेल। सो आप प्राइवेट रिपोजिटरी भी क्रिएट कर सकते हैं, सही है। बट राइट नाउ मैं प्राइवेट नहीं करता, इसको मैं पब्लिक ही रखता हूँ, सही है। एडमी डॉट रीडमी फाइल गिट इग्नोर्स, ये सारी चीज़ें आप कोशिश करें इनिशियली राइट नाउ आप ना रखें। जब आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाए फिर आप इनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ये फाइल्स, बट राइट नाउ इनकी ज़रूरत नहीं है, सही है। सो यहाँ पर मैं एक पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसको आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, सही है। दिस रेपो इज पार्ट ऑफ गिट एंड Git and GitHub series, Git and GitHub training series by Flutter Labs, supported by Anton X. सही है, आप ये डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं अगर आप चाहें, सही है। डिस्क्रिप्शन से ये होता है कि जो लोग आपकी रिपोजिटरी देखते हैं उनको नजर आता है कि यार इस रिपोजिटरी में क्या है, सही है। क्रिएट रिपोजिटरी, सो यहाँ पर हमारे पास अभी एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, सही है। इसमें कोई भी कोड नहीं है, इस रिपोजिटरी पे आएंगे ना इसमें हमारे पास कोई भी कोड मौजूद नहीं है। ये कोई कोड नहीं, ये जस्ट गिटहब की तरफ से आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने इस रिपोजिटरी को अपने लोकल गिटहब रिपोजिटरी गिट रिपोजिटरी के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आ जाती है, सही। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप इसमें कंट्रीब्यूटर्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये रिपोजिटरी है ना, सो इस रिपोजिटरी में आप मल्टीपल बंदे अपने अपना कोड अपलोड कर सकते हैं, सही है। लेट्स सपोज आपके पास एक डेवलपमेंट टीम है, उसमें चार बंदे हैं, सो चारों बंदे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सो उन चारों बंदों को आप इस रिपोजिटरी में ऐड कर सकते हैं, सही है। और वो सेम कोड पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपस में, सही है। अब कंट्रीब्यूट कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें समझेंगे पूरे प्रोसेस को। बट राइट नाउ हम ये देखते हैं कि आपने एक नया कंट्रीब्यूटर इसमें कैसे ऐड करेंगे, सही है। सो सेटिंग में आके सेटिंग्स में आ जाए, यहाँ से मैनेज एक्सेस में, और मैनेज एक्सेस में आप यहां से इसको इनवाइट कोलैबोरेटर, और यहां पर आप कोलैबोरेटर का नाम लिख दें, सही है। सो आई डू हैव माय टीम मेंबर, उसको मैं यहां पे ऐड कर रहता हूं, जीशान सलीम नाम है उसका, सो उसी को मैं ऐड कर रहता हूं राइट नाउ एज अ कंट्रीब्यूटर इन दिस प्रोजेक्ट, सही है। सो ऐड जीशान सलीम टू दिस रिपोजिटरी, सही है। अच्छा, अगर आप इस प्रोजेक्ट एक रिपोजिटरी में आप एज अ कंट्रीब्यूटर नहीं है, सो आप उस रिपोजिटरी में आप कोड अपलोड नहीं कर सकते, उस रिपोजिटरी को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बट उसको आप चेंज नहीं कर सकते, सही है। अगर आप एज अ कंट्रीब्यूटर उस प्रोजेक्ट में ऐड है, सो देन आप उसमें अपना कोड अपलोड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, सही है। सो दिस इज द कंट्रीब्यूटर इन दिस प्रोजेक्ट, उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, सही है। सो ये अभी उसको एक इन्विटेशन मिल चुकी है, सो पेंडिंग इन्विटेशन, उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसको ये रिपोजिटरी भी विजिबल हो जाएगी, एंड देन ही कैन डायरेक्टली एक्सेस द कोड प्लस कंट्रीब्यूट टू दिस कोड एज वेल, सही। सो अंटिल दिस वन आई होप सो के गिट एंड गिटहब का जो मेन डिफरेंस है वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर है। गिटहब में हम एक रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी क्लियर है, एक गिटहब रिपोजिटरी आपने क्लोन कैसे करनी है, सो आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर। सो दिस वॉज जस्ट लिटिल बिट शॉर्ट इंट्रोडक्शन
दिस वन, सही है। यहाँ पर असल में मैंने एक और बात की थी CI/CD की, सही है। सो यहाँ पर ये एक्शंस के नाम से है, इसमें हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एडवांस के टॉपिक्स हैं, उसको हम यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं, सही है। बट दिस नॉट पार्ट ऑफ दिस दिस कोर्स, क्योंकि ये काफी एडवांस के टॉपिक्स हैं, ये मुझे पर्सनली खुद भी नहीं आते मोस्टली। सो अंटिल नाउ वी आर डन विद दिस सेशन एज वेल। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर गुड एंड क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।